स्वादिष्ट थाली अपनी नई रेसिपी के साथ तैयार है। नमस्कार, आज हम बनाएंगे पालक पूरी। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में पालक अधिक मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो आजकल सभी सब्जियां बिना मौसम के भी उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन मौसमी सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है। तो चलिए अब हम पालक की हरी पूड़ियां बनाते हैं। सबसे पहले पालक पूरी बनाने की सामग्री देख लेते हैं। पालक 250 ग्राम, गेहूं का आटा 250 ग्राम, देसी घी 1 टेबल स्पून, भुना पीसा जीरा 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। आटा गूंथने के लिए पानी 1 कप और पूरियां तलने के लिए रिफाइंड ऑयल 2 से 3 कप लेंगे, जिससे पूरियां आसानी से तली जा सकें। आप चाहें तो अपने स्वादानुसार देसी घी में भी पूरियां तल सकते हैं। पालक पूरी बनाने की सभी सामग्री तैयार है, अब इसे बनाने की विधि देखते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले पालक को स्टीम कर लेंगे। इसके लिए पालक को कुकर में डालकर धीमी आंच पर रख देंगे। ध्यान रहे, इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पालक पानी छोड़ता है। करीब 3 से 4 मिनट तक पालक को धीमी आंच पर रखेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। फिर पालक को मिक्सर में डालकर उसका पेस्ट बना लेंगे। अब जो गेहूं का आटा हमने लिया है, उसमें से थोड़ी मात्रा में सूखा आटा निकालकर अलग रख लेंगे, जो बाद में पूरियां बेलने के काम आएंगी। अब हम पूरियों के लिए आटा गूंथेंगे। आटे में हम सबसे पहले डालेंगे देसी घी, अब नमक डालेंगे, फिर भुना पीसा जीरा, लाल मिर्च पाउडर और जो पालक का पेस्ट हमने तैयार किया है वो भी डाल देंगे। इन सभी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी सामग्री अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम थोड़ी मात्रा में पानी डालेंगे और आटे को कड़ा गूंथेंगे, जैसे कि सादे पूड़ियों का आटा गूंथते हैं। ध्यान रहे, पानी की मात्रा अधिक न हो, आवश्यकता अनुसार ही पानी डालेंगे, क्योंकि यदि आटा मुलायम हो जाएगा तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। पूड़ियों का आटा हमेशा कड़ा ही गूंथना चाहिए। ये हमारा पूड़ियों का आटा बिल्कुल तैयार है और कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल भी गर्म कर लिया है। अब छोटी छोटी गोल पूड़ियाँ बेलकर हम फ्राई करें। ये हमने कुछ पूड़ियाँ बेलकर फ्राई कर ली हैं, इसी प्रकार सभी पूड़ियाँ बेलकर फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म हरी हरी पालक की पूड़ियाँ तैयार हैं। आप इसे चटनी, अचार, दही या फिर अपनी किसी मनपसंद सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। यह पूड़ियाँ सभी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। हरी हरी पूड़ियाँ बच्चों को भी बहुत ही भाएंगी। सेहत के लिहाज से भी ये बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो चलिए, आज ही अपने किचन में आप ये पालक पूड़ियाँ बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरी नेक्स्ट रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, जल्द ही फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ।